नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे पेन स्टॉक की जिसका जब आईपीओ आया था दोस्तों, मैं आप कह सकते हैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मतलब इतना डिसअपॉइंट हुआ था दोस्तों, इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। रीजन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, एक ऐसी वैल्यूएशन जिसमें एशियन पेंट जैसी कंपनी जो इस सेक्टर की दिग्गज है वो भी नहीं मिल रही थी, और उसके सामने ये पेंट इंडस्ट्री जो अब ज्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं ये मानता हूं कुछ सेक्टर में और जिस तरह से इसने अपना मार्केट शेयर बनाया है कुछ ऐसी जगहों पे जहां पे इससे पहले किसी अन्य पेंट इंडस्ट्री ने नहीं बनाया, ये वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन था और उस समय बाजार में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी थी कि इसकी जो लिस्टिंग हुई वो बहुत शानदार हुई। लेकिन जैसा कि आपको पता है, वो तमाम आईपीओस का जो हाल हुआ है, जो बुरा हाल हुआ है दोस्तों, वो किसी से भी नहीं छुपा है। और ये आप कह सकते हैं स्टॉक भी उनमें से एक था जिसने एक बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी गिरावट देखी दोस्तों। ठीक है, तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या अब इस गिरावट के बाद स्टॉक में निवेश का समय आ चुका है, कौन से वो लेवल्स, मेनली इसमें टेक्निकलिटी में टेक्निकल बेसिस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं और ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आप देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार पे आए उसके लिए नोटिफिकेशन सब्सक्राइब को ऑन करके जो बेल आइकन है दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन का, उसे प्रेस कर दें। और अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, आप देखें यहां पे आधे प्रतिशत की आपको आज यहां तेजी देखने को मिलेगी। कितनी दोस्तों? आधे प्रतिशत की आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगी दोस्तों? तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो ये जो स्टॉक है दोस्तों इंडिगो पेंट्स का, आप देखें पिछले पिछले एक साल में 38% की गिरावट। ठीक है, आप यहां से देखें, एक समय में ये स्टॉक 2000 के भी ऊपर था दोस्तों, आज ये गिरते गिरते आप देखें 38.5% की स्टॉक गिरावट दिखा चुका है। और अब लोगों को लग रहा है दोस्तों कि क्या ये समय खरीदारी का हो चुका है, क्या ये समय खरीदारी का है? तो देखिए मैं पहले आपको समझा दूं, इंडिगो पेंट्स में कहीं भी फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, और कंपनी जिस सेक्टर में, खास करके इमल्शन में दोस्तों, ठीक है, इमल्शन में, वो एक मुझे लगता है बहुत शानदार स्पेस की पकड़ है। और जो आने वाले समय में यहां ये अच्छे खासे तरीके से, खास करके कॉन्स्टेंट बेसिस पे, ये ग्रोथ तो करती रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन वैल्यूएशन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी दोस्तों, और अभी भी देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो पेंट इंडस्ट्री है ना, वो आपको कभी भी बहुत ज्यादा सस्ते दाम पे नहीं मिलेगी दोस्तों। यानी स्टॉक की इसकी जो पी अगर आपको लगे बहुत सस्ते मिलेगी तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री के अक्सर आपको कह लीजिए स्टॉक्स एक्सपेंसिव ही रहते। लेकिन हाँ, ओवरली वैल्यूड ओवरली एक्सपेंसिव स्टॉक्स आप कह लीजिए कोई भी सेक्टर का हो, उसमें गिरावट होती ही है, और इंडिगो में भी हुई जैसे ही लिक्विडिटी बाजार से गायब हुई दोस्तों। अब बात करते हैं क्या अभी खरीदी जा सकती है। तो देखिए इंडिगो पेंट को आप देखेंगे तो ये जो गिरावट हुई थी 1250, ठीक है, तो ये जो ये 1250 है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं सपोर्ट है इस कंपनी के लिए। ठीक है, इस स्टॉक के लिए 1250 का लेवल बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप लेवल देखेंगे तो जो 1230 है, 1230 से लेकर के 1250 तक ये जो लेवल है दोस्तों, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है एज ए सपोर्ट बेस, क्योंकि अगर ये टूटेगा ना दोस्तों तो फिर आप कह सकते हैं 1200 रुपए का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसके बाद अगर गिरावट होती तो स्टॉक सीधा सीधा 1150 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लेकिन ये स्टॉक दोस्तों फंडामेंटली अच्छा है, बॉटम कहां होगा ना आप पता लगा सकते, ना मैं पता लगा सकता हूं। और आप देखें तो इसमें ज्यादा
ये बात भी नहीं कह सकते, चर्चा भी नहीं कर सकते भाई कहाँ गिरावट जाके रुकेगी, बहुत ज्यादा पुराना तो ये स्टॉक है नहीं दोस्तों। ठीक है, आप देखें तो ये देखिए 1250 का लो रहा है और इसका 52 वीक लो अगर मैं देखूंगा आप पाएंगे 1240 का 52 वीक लो रहा है। ठीक है, यानी कि ज्यादा आप कह सकते हैं ज्यादा हमारे पास डाउन साइड भी नहीं है। तो करेंटली 1250 एक ह्यूज रेजिस्टेंस ह्यूज सपोर्ट है दोस्तों, और ऊपरी स्तर में मैं बता दोस्तों जब तक 1350 से लेकर के जब तक ये 1350 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक कोई भी स्टॉक में मजबूती और एटलीस्ट 1500 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग बेस पे जाएगा दोस्तों एक री रेटिंग यानी वापस से जो एक मजबूती आनी थी वो आती दिखेगी, लेकिन वो आना बहुत अभी दोस्तों मुझे लगता है मुश्किल है, अभी समय लगेगा। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं, आपके अंदर धैर्य है, तो ही आप स्टॉक में निवेश की सोचें या स्टॉक को आप कह सकते हैं ध्यान दें, क्योंकि 3 से 4 महीने ना दोस्तों जो पूरी की पूरी पेन इंडस्ट्री है वो काफी हद तक दबाव में रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात का ही पता आपको जरूर होना चाहिए। तो यदि आप धैर्यवान इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और 3 से 4 महीने जो इसमें कह सकते हैं हेडविंड्स आने वाले हैं उसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वाकई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में ये पैसे बना करके ही देगा। लेकिन कोई भी पोजीशन बनाए वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, इस वीडियो को एज एजुकेशन पर्पस लें दोस्तों। तो यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।